Thank you to our German Chancellor, Olaf Scholz. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. We need more cooperation, not less, and now we are all excited when we will hear more about a potential free trade agreement. And I'm sure we will spend some time today speaking about this issue and also tomorrow. India is on a geopolitical center stage. Its strategic value for the West is increasing. It is now my great honor to invite the Prime Minister of India, Narendra Modi, on stage. We are delighted and grateful to have you here. Mananiya Pradhan Mantri, Sri Narendra Modi, Namaskar. Excellency, Chancellor Scholz, Vice Chancellor Dr. Robert Habeck, भारत सरकार के मंत्रीगण, एशिया पैसिफिक कमिटी ऑफ जर्मन बिजनेस के चेयरमैन डॉक्टर बुश, भारत जर्मनी और इंडो पैसिफिक देशों के इंडस्ट्री लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, गुटन टाग। साथियों, आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर सोल्ज चौथी बार भारत आए हैं, पहले मेयर के रूप में और तीन बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की दो सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की दो लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं, फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खास तौर पर भारत की स्किल्ड मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर
90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। साथियों, हमारी आपसी व्यापार 30 बिलियन डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। ऐसे में आपके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का ये सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, ईयू और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत करने में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन मैं इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता हूं। मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन। हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है। यही वजह है कि 60 साल बाद एक सरकार को लगातार थर्ड टर्म मिला है। भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते एक दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है। जब देश का सामान्य जमीन नागरिक ये सोच रहा है, तब आप जैसे बिजनेस के लिए, आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भारत से बेहतर स्थान क्या हो सकता है। साथियों, आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके चार मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी। 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं। इसलिए
भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। साथियों, भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। हमारा मिशन मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। आप सभी साथियों के लिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में जुटा है। रेल, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें जर्मन और इंडो पैसिफिक रीजन की कंपनियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले महीने ही गुजरात में जर्मनी के साथ मिलकर चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है। ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की जो संभावनाएं भारत ने बनाई है, उसका फायदा भी आप जरूर उठाएंगे। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है। जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। साथियों, आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं, आपका तो मंत्र होता है, When we meet, we mean business. लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता, भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यू विल बी हैप्पी एंड बैक होम योर फैमिली विल बी हैप्पियर। ये कॉन्फ्रेंस और भारत में आपका स्टे दोनों मंगल हो, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।